गाइस, कैसे हो आप सब लोग? वेलकम बैक टू आवर चैनल फॉरएवर। माय चैनल बोलने का थोड़ा आदत हो गया ना। सब टाइम हुआ है 11, हम लोग सोए थे अराउंड 5 बजे करीब, जैसे लास्ट वीडियो एंड किया था ना, उसके बाद मेरे को होश नहीं है। फिर सागर उठा अभी, तो इसके लिए मेरे को भी उठाया एंड अब चाय रख दिया हम लोग ने। और आज भी पानी का प्रॉब्लम है यार, पता नहीं वो जो पाइपलाइन फटा है ना, अभी वो कब ठीक होएगा वी डोंट नो यार। ऐसा स्वागत किया मेरा, नो वाटर बदला, सो इरिटेटिंग यार। कैसा लग रहा है कि मैंने कल से ना ठीक से फेस वॉश किया ही नहीं है। मैंने भी शावर ले लिया। हाँ, अभी लोग बोल रहे हैं कि आएगा थोड़ी देर के लिए, तो अभी फटाफट अभी करना है। अभी पता नहीं बीएमसी का कब ठीक होएगा यार, पाइपलाइन फट जाएगा तो ऐसी से प्रॉब्लम। चलो तो अभी चाय पियेंगे, नाश्ता करेंगे एंड देन सागर का प्रॉन्स बनने वाला है आज। प्रॉन्स जो मैंने कल ही मंगा के रखा था और उसको मैरिनेट करके रखा। ठंडी भी हो गई है थोड़ी अभी हल्की सी, बिकॉज बारिश का मौसम है। तो वैसे मैं बता दूं कि आज है 21st of September। अभी ये वीडियो मैं कब चढ़ाने वाली हूँ आई डोंट नो, बिकॉज मेरे पास बहुत सारे वीडियोस है, बैकअप वीडियोस है, बैकअप नहीं क्या बोलते उसको, पेंडिंग वीडियोस है, तो वो मुझे चढ़ाना है। तो ये वीडियो अगर मैं चढ़ाऊंगी बाद में तो आप लोग सोच रहे अरे अभी क्या ठंडी है इतना, सितंबर का टाइम है, अभी बारिश आ रही है ना, इसके लिए ठंडी है थोड़ी। हाँ, फैन का जरूरत नहीं है अभी। लेट्स सी कब तक रहेगी ठंडी मुंबई में। या सो गाइस, आपको मिलते हैं थोड़े टाइम। अभी मैं पीऊंगा मेरी चाय जो पूजा ने बनाई है। मैंने 7 महीने में मैंने भूल गई थी चाय कैसे बनाते तेरे को, बिकॉज 7 महीने में मैंने कभी चाय नहीं बनाई। और सागर का अलग टाइप का चाय होता है ना, मतलब मिल्क पाउडर एंड ऑल दैट स्टफ। इसके लिए मेरे को दूध वाली चाय आती है अच्छे से, बट ये थोड़ा सा और सिंपल है। हाँ नहीं, तू नहीं था ना अभी, थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि पानी डालते हैं ना ऐसा सब। चल आपको मिलता है मैं बात। गाइस, क्या आपने कभी किसी को सलोन से बाहर आके ऐसे हेयर फ्लॉन्ट करते हुए देखा है? देखा तो होगा ही ना, सलोन जाते हैं तो बाहर आके ऐसे फुल फ्लॉन्ट करते हैं। तो आपके माइंड में भी बहुत सारे क्वेश्चन आए होंगे कि यार ऐसे बाल पाने के लिए क्या केमिकल ट्रीटमेंट करना होता है, केराटिन अच्छा है कि हेयर स्पा अच्छा है, कितना खर्चा हुआ होगा, कितना टाइम लगा होगा, कब तक टिकेगा ये ऐसे बाल। ये सब क्वेश्चन का आंसर देने आज मैं आई हूँ एंड आई विल हेल्प यू विद इट। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, यू नीड टू एनालाइज योर हेयर कि आपकी हेयर कंडीशन कैसी है, क्या वो डैमेज है या फिर इट जस्ट नीड्स लिटिल बिट मोर अटेंशन। सो इफ यू हैव डैमेज्ड हेयर तो उसका मतलब है कि प्रोटीन खत्म हो चुका है एंड यू विल हैव टू गो फॉर केराटिन विच विल लास्ट फॉर अप टू लाइक 6 months अप्रॉक्सीमेटली। आपकी अगर कोई नॉर्मल प्रॉब्लम है जैसे हेयर फॉल, डल हेयर, फ्रीजी हेयर, देन यू कैन गो फॉर हेयर स्पा ट्रीटमेंट विच विल लास्ट फॉर लाइक 1 month। सो हेयर स्पा ट्रीटमेंट इज सुटेबल फॉर ऑल द हेयर टाइप्स एंड यू कैन गेट इट डन लाइक इन एवरी फ्यू वीक्स। अब जब मैंने बोला कि आप हेयर स्पा कर सकते हो एवरी फ्यू वीक्स, तो आपके माइंड में ये चल रहा होगा कि अरे यार हेयर स्पा करना बजट में होगा क्या? डोंट यू वरी गाइस, बिकॉज आई गॉट यू न्यूड का DIY हेयर स्पा किट, जिसमें आपको सभी वो स्टेप्स मिल जाएंगे जो आपको सलोन में मिलते हैं एंड दैट टू इन योर बजट। तो इस किट में आपको 4 स्टेप्स मिलेंगे। फर्स्टली इट हैज हेयर स्क्रब, जिसमें है टाइनी कॉफी बीन्स विच विल एक्सफोलिएट योर स्कैल्प। सो ऑल यू नीड टू डू इज टेक अ स्क्रब एंड मसाज इट ऑन योर वेट हेयर जेंटली। सो आपको 3 मिनट्स तक इसे हल्के हाथों से मसाज करना है ताकि आपका ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज हो एंड ब्लड सर्कुलेशन से आपकी हेयर ग्रोथ इंप्रूव हो जाएगी। सो यू नीड टू मसाज इट एंड देन रिंस योर हेयर विद लूक वॉर्म वाटर, ठीक है। द नेक्स्ट स्टेप इज यूजिंग शैम्पू। सो यू हैव टू यूज शैम्पू ऑन योर हेयर शाफ्ट्स। शैम्पू करना इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये शैम्पू आपके हेयर में से एक्स्ट्रा सीबम को रिमूव करता है जो हेयर स्कैल्प को ऑयली करता है। इसके साथ साथ ही आपको बालों में से डर्ट एंड पॉल्यूशन से होने वाले डैमेज से भी आपको हेयर को प्रोटेक्ट करेगा। सो वंस यू आर डन विद द शैम्पू, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूज कंडीशनर। वैसे आपको एक बात बता दूँ कि शैम्पू हमेशा हेयर स्कैल्प में यूज़ करना चाहिए गाइस। हेयर टिप्स पे करोगे तो आपके हेयर टिप्स एकदम ड्राई हो जाएंगे, सो यूज़ इट ऑन योर स्कैल्प ओनली। द थर्ड इंपॉर्टेंट स्टेप इज यूजिंग कंडीशनर। कंडीशनर को आपको हमेशा हेयर लेंथ पर लगाना चाहिए क्योंकि कंडीशनर आपके बालों को शाइनी एंड बाउंसी लुक देगा। तो आपको कंडीशनर को वेट बालों में लगाकर 3 मिनट्स के लिए सिर्फ छोड़ना है एंड देन रिंस इट ऑफ विद लूकवॉर्म वाटर। न्यूड कंडीशनर में है हिबिस्कस जो आपके बालों में मेलानिन क्रिएट करता है एंड ऑल्सो इट गिव्स यू अ नेचुरल शाइन एंड बाउंस केराटिन जो बालों की ग्रोथ में भी हेल्प करेगा। द फोर्थ स्टेप इज सीरम। सो वंस यू आर डन विद द शैम्पू एंड कंडीशनर, यू नीड टू अप्लाई न्यूड हेयर सीरम ऑन डैम्प हेयर एंड लीव इट टू एब्जॉर्ब कम्प्लीटली। आपको है ना कुछ टॉवल कुछ नहीं यूज करना है, जस्ट अप्लाई इट एंड जस्ट लीव इट। इट हैज़ आर्गन ऑयल, जोजोबा ऑयल एंड एवोकाडो ऑयल, कोकोनट ऑयल एज वेल, विच विल हेल्प यू प्रोटेक्ट योर हेयर फ्रॉम डेली डैमेज, प्रिवेंट डैंड्रफ, इचिंग स्कैल्प
एंड स्पीड अप योर हेयर ग्रोथ रेस्पेक्टिवली। सो गाइस आप देख सकते हो मैंने सिर्फ ये 4 स्टेप्स यूज़ किया है, वो भी घर में अपने ही टाइम में एंड बजट में, एंड माय हेयर इज़ लुकिंग ब्यूटीफुल नाउ, इट इज़ लुकिंग हेल्दी एंड इट इज़ आल्सो शाइनिंग एंड बाउंसी भी लग रहा है ना, एकदम खूबसूरत लग रहा है मेरे बाल, ऐसा लग रहा है जैसे पार्लर से ही हेयर स्पा करके आई हो अभी। सो गाइस हमेशा ये बात याद रखना, हेयर स्पा इज मेंट टू ऐड हाइड्रेशन टू गिव यू अ शाइनी एंड बाउंसी हेयर। सो अगर आप भी घर पे करना चाहते हो और आपके बजट में है, एकदम पॉकेट फ्रेंडली होगा, सो डोंट फॉरगेट टू चेक आउट द प्रोडक्ट ऑन www.evertin-new.com एंड यू कैन ऑल्सो गेट दिस प्रोडक्ट ऑन Amazon और Flipkart एंड आई हैव गिवन द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन चेक इट। सो गाइस मैंने ना सागर के लिए एक स्वेटशर्ट लिया था। वाओ ये ओवर एक्टिंग कर रहे थे, इसको ऑलरेडी पता है ऑलरेडी पता है बट हाँ असलियत में कैसा दिख रहा है, अच्छा लग रहा है। मैंने इसको फोटो भेजा था, शिप पे था ना तभी, और दिस इज फ्रॉम जैक एंड जूस, आई गॉट दिस फ्रॉम Ajio, सेल चल रहा है ना, जो है वो बताने का लोगों को, झूठ झूठ नहीं बोलने का कि मैंने इतने का लिया उतने का लिया, अभी मैंने ये लिया था सेल में, ठीक है, और ये मुझे मिला है 700 रुपये का, ये 700 रुपीज़ का मिला है एक्चुअल, कुछ इसका पता नहीं कुछ ज़्यादा है इसका। सो दिस इज आई लाइक दिस कलर बिकॉज ऐसा कलर है नहीं सागर के पास, सो आई होप यू कैन फिट इन टू दिस सागर। सो अभी ट्राई करके बता मेरे को पहले। चाय इज रेडी जो कि फोकस नहीं हो रहा है, फोकस हो गया, चलो चाय देते सागर को। सो गाइस अभी बैग्स खाली करने की टाइम है, खाली करने का टाइम है, मैं ना की और काम ऐसा बहुत ज़्यादा ये होती हूँ, की बोलती हूँ या का बोलती हूँ कभी भी, तो अभी जो ये है ना लैपटॉप बैग वो खाली कर रहा है। यहाँ पे क्या क्या है सागर जी के, CDC पासपोर्ट इम्पोर्टेंट, जान जाए बट ये ना जाए, है ना, जान जाएगा तो फायदा ही नहीं इसका, बट कहीं पे भी ये नहीं होना चाहिए, संभाल के रखना अपने दिल के करीब, बिकॉज वो ना रहे तो बैंक में पे ना रहे, क्या बैंक में पे ना रहे, बैंक में पे रहे नहीं, जॉब ही नहीं रहेगा ना फिर तो, वो बनाना पड़ेगा, हाँ फिर वो प्रोसेस बहुत है ना ज्यादा, ये उसको लेके डाल दो। सो गाइस सागर का फेवरेट प्रॉन्स फ्राई आ चुका है, इग्नोर द तेल, वो एक्चुअली हमने 2-3 में फ्राई किया इसके लिए, और ये सागर का प्लेट, वही सेम दाल राइस एंड सागर ने थोड़ी भाजी भी ली है, और ये देखिए मेरी प्लेट एंड आई एम ऑलरेडी ईटिंग। आपसे बात करते हैं खाना खाने के बाद, पानी अभी तक आया नहीं है गाइस, पानी का प्रॉब्लम चल रहा है इसके लिए थोड़ा, अभी हमें लेट भी हो गया है, अभी हम लोग ने मेरे बैग्स वगैरह सब खाली कर दिए, जो कपड़े धोने वाले थे सब निकाल दिए, और बाकी जो था वो सब बैग में डाल के उसको रख दिया, अभी तो बैग खुलेंगे थोड़े टाइम बाद। अभी खाना खाएंगे, थोड़ा कुछ नेटफ्लिक्स या यूट्यूब देखेंगे, और टाइम बाद मुझे भी देखने मिल रहा है, बाद में मिलेंगे। पूजा इज ईटिंग हर फेवरेट अरे कहना क्या चाहते हो, फरेरो रोशर जो मैंने लाया मुंबई एयरपोर्ट से, जो इस बार उसको कहीं पे भी मिला नहीं, शोर लिप तो मिला ही नहीं, मैंने उसको बोला था मत ले क्या, हम लोग यही से भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं, कुछ है नहीं मेरे को, सॉरी बट स्टिल गॉट इट, टेस्टी। किस किस को पसंद है फरर रोशर कमेंट करके बताइए, हम एक डब्बा भिजवाएंगे, ऐसा पूजा बोले तेरे फैंस है ज्यादा, हाँ तो मैं भिजवाऊंगा सबको। हाँ कैसा है, मस्त, तो चलिए। सो गाइस अभी सागर यहाँ पे सोने जा रहा है, टाइम अभी आपको बता दूँ मैं कितना हुआ है, 4:18, और ये देखो एज यूजुअल इंडिया आने के बाद सागर का हमेशा का रहता है, नाक बहना स्टार्ट हो जाता है, क्यों ऐसा सागर, आई एम नॉट मेड, हाँ मतलब इसको इतना नाटक रहता ना यहाँ पे, डस्ट एलर्जी, पोल्यूशन एलर्जी, क्या क्या एलर्जी उसको होती है, और वेदर चेंज, ये सब कुछ हर टाइम इसका सागर का है, हर टाइम जब भी शिप से आता है ना उसके नेक्स्ट डे नाक बहना चालू। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं, होपफुली ठीक हो जाए जल्दी। हाँ अभी देखो ये सब आ गया बाहर, सब कुछ भागा, इतना टाइम से मैंने इसको देखा नहीं था, गुप्त धन। हाँ अभी स्टार्ट, आई विल बी ऑल राइट टुमारो, फिंगर्स क्रॉस्ड, आता ही नहीं क्या, फिंगर्स क्रॉस्ड भी आ गई, सी यू गाइस।
सागर को उठाते हैं अभी। सो सागर कैसा लग रहा है अमूल बटर खा के आफ्टर 7 मंथ्स? अमूल बटर इज बे। जो मजा डुबोगे खाने में वो नहीं है। नहीं मतलब अमूल बटर के बारे में बताओ प्लीज। अमूल बटर तो भाई बेस्ट है, अमूल का बटर और कैडबरी की चॉकलेट, इसको कोई मार नहीं सकते। और अपनी मैगी मग्गी कोई मार नहीं सकते। हाँ ये सब चीज बोलता है ओल्ड स्कूल टाइप से, अभी जाएगा नहीं इसका टेस्ट। तो मैगी शिप पे थी नहीं तो अभी मेरे को वो भी खाना है। बहुत डुबो डुबो के खा रहा हूँ मस्त, अभी अच्छा लग रहा है बटर का टेस्ट। बट अमूल बटर मैं ऐसे ही खा सकता हूँ खाली में लगाने का जरूरत नहीं है। हाँ बहुत सही बटर है। सागर को है ना बटर बहुत चाहिए होता है, हमेशा बोलता है मेरे को बहुत एक्स्ट्रा डाला कर ब्रेड में ना। फिर एक बार मैं बहुत खा गया था सर, इतना खा गया था चक्कर कि चक्कर ही आ गया था, ज्यादा हो गया था बटर। अभी इतनी ठंडी लग रही है ना कि फैन भी हम लोगों ने ऑन नहीं किया गाइस, ये देखो ऑफ, बाहर भी क्लाउडी हो गया। चलो सागर को खाने देते हैं। सो गाइस यहाँ पे सागर का खट्टी मीठी दाल बन गई है, इसमें हम लोग ना डालते हैं ये ड्रम स्टिक, तो बीच बीच में आपको दिख रहा होगा ना ड्रम स्टिक, ये तो खट्टी मीठी दाल आप लोग इसको मैं ना अच्छे से बताती हूँ। ये देखिए ये होती है खट्टी मीठी दाल, मतलब दाल ही होती है, उसमें सिर्फ गुड़ डालते हैं थोड़ा सा और टैमरिंड का थोड़ा सा पेस्ट, दैट्स इट। एंड थोड़ा सा मैं सांभर पौड़ी डालती हूँ, इन शॉर्ट वो सांभर जैसी हो गया, लेकिन सांभर नहीं है, खट्टी मीठी दाल है ये। तो ये है खट्टी मीठी दाल। देन मैं यहाँ पे प्रॉन्स फ्राई कर रही हूँ, ये देखिए मम्मी अपने लिए बना रही है ये जो क्या बोलते हैं इसको, ये बलियार है लगता है, हाँ आई थिंक इट इज शार्क इन तुलू, ये जो ड्राई फिश होता है ना वो है, ये पानी में डाल के रखा है थोड़ा सॉफ्ट होने के लिए। मम्मी बोली कि मेरे को प्रॉन्स नहीं खाना है बिकॉज मम्मी को ना थोड़ा एलर्जी ऐसा होता है उससे। ये ना अलग प्रॉन्स है ना, वाइट प्रॉन्स है, मम्मी रेड वाला प्रॉन्स खा सकती है बट ये वाले प्रॉन्स से मम्मी को एलर्जी होता है, इसके लिए मम्मी नहीं खा रही है, हम लोग अभी खाते हैं। हे गाइस अभी सब हम लोग का डिनर सब हो गया है, अभी 10:30 हुआ है, हम लोग अभी एक क्या बोलेंगे एपिसोड देख रहे हैं ऑफ लॉक एंड की ऑन नेटफ्लिक्स। या तो अभी ना मेरे डैडी को पता नहीं कि सागर आए हैं घर पे, सागर इज बैक हियर, उनको लग रहा है कि अभी भी शिप पे बिकॉज उनको मैंने बताया नहीं है, पर अभी वो गए हैं सूरत, तो आने वाले हैं अभी, कभी भी कोई भी टाइम पे आ सकते हैं। तो मैंने बोला कि वीडियो ऑन करती हूँ और आपको दिखाती हूँ कैसे वो सरप्राइज होने वाला, बिकॉज सागर इज गोइंग टू ओपन द डोर जब मैं उनको दूंगा झटका, तब या क्या हुआ नहीं झटका दूंगा ना उनको, या सो देखते हैं अभी क्या रिएक्शन रहेगा। मैंने सागर को बोला तू वीडियो निकालना, तू जाके दरवाजा ओपन करना, सबको मिलते जब गाड़ी आएंगे तब। बाय पहचाना के नहीं आप वीडियो पे कैसा लगा सरप्राइज? प्लेजेंट सरप्राइज। हाँ प्लेजेंट कैसे? हाँ एकदम प्लेजेंट सरप्राइज। पतला हो गया आप थोड़ा? हम लोग बोला आपको सरप्राइज देते हैं। बोल हमेशा ऐसा करता है। गाड़ी लेके अभी ये नान कटाई, ये है और क्या बोलेंगे टोस्ट नहीं कुछ रस नहीं बटर, हाँ बटर लो हम लोग इसे बोलते हैं ना हिंदी में, ये थोड़ा जीरा जीरा बिस्किट टाइप्स होते हैं ना वैसा थोड़ा टाइप, मतलब खारी टाइप जीरा खारी टाइप, बहुत टेस्टी है।